ताजमहल, जिसमें ताज मतलब क्राउन और महल का मतलब है पैलेस। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसे अ सिंबल ऑफ अनडाइंग लव भी कहा जाता है। ताजमहल इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट में आगरा डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी के पास लोकेटेड है, जिसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का सबसे ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट कहा जाता है। 1982 में ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ताजमहल को देखते ही उसकी सुंदरता हर किसी के दिल को छू जाती है, इसीलिए विश्व भर से लोग ताजमहल देखने आते हैं। कहते हैं इस धरती पर कुछ चीजें ऐसी है जो समय के साथ और उम्र के बढ़ते हुए सुंदरता में कभी कमी नहीं करती, और ताजमहल उनमें से एक है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपनी 2 दिन की आगरा की ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, आप आगरा कैसे पहुंच सकते हैं, कौन सा सीजन बेस्ट है यहाँ विजिट करने के लिए, अपना स्टे यहाँ कहाँ करें और टोटल खर्चा कितना आएगा, और ताजमहल के अलावा आगरा में कौन कौन सी प्लेसेस है जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो इस कम्प्लीट टूर गाइड के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, वैसे तो हम सब जानते हैं कि आगरा ताजमहल के लिए फेमस है, जिसे 1 डे में विजिट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप आगरा प्लान कर रहे हैं तो यार 2 डेज के लिए विजिट करना बेस्ट रहेगा, ताकि आप अच्छे से इस सिटी को एक्सप्लोर कर सकें। आगरा लोग थ्रू आउट द ईयर विजिट करते हैं, लेकिन अक्टूबर टू मार्च तक का यहाँ सबसे बेस्ट सीजन रहता है विजिट करने का। चलिए अब जानते हैं आप आगरा कैसे पहुँच सकते हैं। आगरा बाय रेल, रोड और एयरवे काफी अच्छा कनेक्टेड है। बाय रोड आगरा दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप 3 से 4 घंटे में यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। आगरा का मेन बस स्टॉप ईदगाह है, जहां से काफी सारी बसेस आपको दिल्ली, जयपुर, मथुरा या फतेहपुर सिकरी के लिए मिल जाएगी। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आगरा कैंट आगरा का मेन रेलवे स्टेशन है, जहां मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता इत्यादि से ट्रेन की काफी अच्छी कनेक्टिविटी है। आप चाहे तो दिल्ली से आगरा तक पैलेस ऑन व्हील्स, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस जैसी ट्रेन पकड़कर भी आगरा आ सकते हैं, या फिर आप दिल्ली से आगरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर भी जा सकते हैं, जो 2 घंटे में पहुंचा देती है। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आगरा में एयरपोर्ट भी है, जिसे खेरिया एयरपोर्ट या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। आगरा एयरपोर्ट आगरा सिटी से सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप एयरपोर्ट से 200 से 300 रुपए की टैक्सी करके आगरा पहुंच सकते हैं। चलिए अब आगरा तो पहुंच गए, लेकिन सवाल आता है अब यहाँ स्टे कहाँ करें। दोस्तों, क्योंकि आगरा में डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी भारी मात्रा में विजिट करते हैं, तो आगरा में स्टे के काफी सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं 5-स्टार होटल्स की बात करूं तो आप यहाँ ताज होटल्स एंड कन्वेंशन सेंटर, द ओबेरॉय, अमर विलास, ट्राइडेंट आगरा, कोटियार्ड बाय मैरियट, हॉलीडे इन और होटल रेडिसन जैसी होटल्स को ऑप्ट कर सकते हैं, जो ताजमहल के आसपास ही लोकेटेड हैं। वही अगर आप कोई 3-स्टार होटल्स देख रहे हैं तो आप होटल द ताज विलास, होटल मोती पैलेस, होटल एलिवेट, होटल मैपल ग्रैंड, होटल द रिट्रीट को ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने मेरा स्टे होटल प्रेसिडेंट में किया, जो ताजमहल से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ के रूम्स काफी स्पेशियस थे और होटल की सर्विसेज भी काफी अच्छी थी। इसके मुझे देने पड़े 2000 रुपीस पर नाइट। अगर आप अफोर्डेबल स्टे देख रहे हैं तो होटल प्रेसिडेंट एक बेस्ट ऑप्शन है, जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, और बुकिंग के लिए आप इस दिए हुए नंबर पर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। चलिए अब आगरा तो पहुंच गए और होटल भी सिलेक्ट हो गया, अब जानते हैं आगरा में आप साइट सीइंग कैसे कर सकते हैं। सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए आप बाय ऑटो, ई ऑटो या बस से भी यहाँ घूम सकते हैं। आप यहाँ कार रेंटल लेकर भी सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसका चार्ज 1.5 से 2 हजार तक रह सकता है। अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो कार हायर करना एक बेस्ट ऑप्शन है, और वही अगर आप 1 से 2 लोग हैं तो आप 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक ऑटो से जा सकते हैं। डे 1 की शुरुआत आप आगरा में ताजमहल से कर सकते हैं। ताजमहल एंट्री करने के लिए यहाँ 3 गेट है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। मोस्टली लोग यहाँ एंट्री ईस्ट या वेस्ट गेट से करते हैं। साउथ गेट एग्जिट के लिए यूज होता है, ईस्ट गेट लेस क्राउडेड रहता है, वही वेस्ट गेट से काफी भीड़ रहती है। अगर आप अपनी 4-व्हीलर से यहाँ आ रहे हैं तो आप ईस्ट और वेस्ट गेट के पास 100 रुपए देकर अपनी कार पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, गेट से ताजमहल का डिस्टेंस लगभग 800 मीटर है, तो आप पैदल ना चलकर यहाँ के इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट से भी जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट 20 रुपए रहता है, फॉरेनर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है।
ताजमहल विजिट करने के लिए टिकट लगता है। ताजमहल का टिकट आप www.asiaagracircle.in वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। आप यहां काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं, लेकिन यूजली ऑनलाइन टिकट बुक करना ही रिकमेंडेड रहता है। टिकट का कॉस्ट इंडियंस के लिए 50 रुपए, और वही अगर आप मुमताज और शाहजहां के मकबरे तक जाना चाहते हैं तो उसके 200 रुपए आपको अलग से देने होते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए इसका कॉस्ट 1100 रुपए, और वही मकबरे तक जाने का 200 रुपए देना पड़ता है। ताजमहल के टाइमिंग सनराइज सुबह 6:30 से तो शाम के 7 बजे तक ये ओपन रहता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोट, ताजमहल एवरी फ्राइडे क्लोज रहता है। ताजमहल में एंट्री के दौरान कैमरा और वाटर बॉटल्स अलाउड है, लेकिन कोई खाने पीने की चीजें यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है। टिकट विंडो के पास क्लॉक रूम भी अवेलेबल है, जहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं। ताजमहल को अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड भी हायर कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 500 से तो 1000 तक होगा। मेक श्योर करें आप इनकी आईडी चेक कर लें। इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए काफी सारे गाइड इंग्लिश, जर्मन, जापानीज, थाई और कई सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहते हैं, जिनका कॉस्ट 1 से 2000 रुपए तक रह सकता है। दोस्तों, ताजमहल पहुंचने के पहले आपको द ग्रेट गेट दरवाजा ए रोजा से होकर जाना होता है। ये दरवाजा काफी विशाल है और मुगल आर्किटेक्चर का एक मार्वल है। इसे रेड सैंडस्टोन और सफेद संगमरमर से ढकी ईंटों से बनाया गया है। गेट के ऊपर 11 डोम है जो दिख रहे हैं, ये 11 है टोटल डोम और ये पीछे 11 है। जैसे जैसे आप इस दरवाजे से अंदर जाते हो, आपको ताजमहल की पहली झलक मिलती है, जो दिल को काफी खुश करती है। ये पॉइंट ताजमहल की फोटोज क्लिक करने के लिए काफी बेस्ट पॉइंट है। प्यार का मिसाल माने जाने वाला दुनिया का ये अजूबा भारत का गर्व है। दुनिया का हर एक इंसान ताजमहल को देखने की चाह रखता है। यमुना नदी के किनारे स्थित ये इमारत एक विस्मरणीय स्थल है। मेन गेट से लेकर ताजमहल के बीच में गार्डन है, जिसे चारबाग कहा जाता है। क्योंकि ये गार्डन चार बाग में डिवाइडेड है, इसीलिए इसे चारबाग नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1631 ईसी में शाहजहां के साम्राज्य ने हर जगह अपने जीत का पंचम लहरा दिया था। उस समय शाहजहां की सभी बेगम में से उनकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल थी, जिसकी मृत्यु अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई। उनके 14वें बच्चे का नाम गौहर बेगम था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 ईसी से शुरू हुआ। शाहजहां चाहते थे कि दुनिया मुमताज और उनकी प्रेम कहानी को हमेशा याद रखे, इसीलिए उनकी याद में वो कुछ ऐतिहासिक धरोहर बनाना चाहते थे, जिससे ताजमहल का निर्माण हुआ। वैसे तो ताजमहल का निर्माण 1648 में खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए और 10 सालों तक इस पर काम किया गया। उस समय इसको बनाने में लगभग 32 मिलियन रुपीस का खर्च हुआ था और 25,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने काम किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल का प्रधान रूपांगनकर्ता माना जाता है। 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। ताजमहल को भारत की इस्लामिक कला का रत्न भी घोषित किया गया। हर साल ताजमहल को लगभग 9 से 10 मिलियन लोग देखने आते हैं। चलिए अब बात करते हैं ताजमहल की वास्तुकला और बनावट के बारे में। ताजमहल का निर्माण पर्शियन और प्राचीन मुगल परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसमें अधिकतर प्रेरणा उन्हें मुगल कालीन दूसरी इमारतें जैसे हुमायूं का मकबरा और जामा मस्जिद से मिली। प्राचीन मुगल काल में इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया जाता था, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण सफेद मार्बल से करने की ठानी, जिससे ताजमहल की सुंदरता को चार चांद लग गए। ताजमहल का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, जिसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई भी डायरेक्शन से देखने में ये सेम दिखाई देता है। दोस्तों, 200 रुपए के एक्स्ट्रा टिकट में आप मुमताज और शाहजहां के कब्र तक जा सकते हैं। यहां आपको जाने से पहले 10 रुपए का शू कवर पहनकर जाना होता है। ताजमहल के मध्य में ही मुमताज महल की कब्र को बनाया गया है। ये कब्र सफेद मार्बल से बनी हुई है, जिसे काफी अलंकृत किया गया है। कब्र का आधार लगभग 55 मीटर का बना है। कब्र को बहुमूल्य रत्नों और पत्थरों से बनाया गया है, और शाहजहां की कब्र मुमताज की कब्र के बगल में ही है। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां ने सभी कारीगरियों के हाथ कटवा दिए थे। दरअसल हाथ कटवा देने का मतलब यहाँ ये है कि शाहजहां ने उन कारीगरियों को बहुत सारे धन दौलत से नवाजा था, ताकि वे कई वर्षों तक आराम से बैठकर जिंदगी बिता सके और फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर किसी के भी शासनकाल में न बना सके। इसीलिए इस घटना को हाथ काटने का नाम दिया गया। इस इमारत का निर्माण सदा से प्रसन्नता और गर्व का विषय रहा है। इसमें
धर्म, संस्कृति और भूगोल की सीमाओं को पार करके लोगों के दिलों से व्यक्तिगत एवं भावात्मक प्रतिक्रिया कराई है। आज भी लोग ताजमहल को शाहजहां और मुमताज के मोहब्बत की निशानी मानते हैं। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ताजमहल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ताजमहल बनाने के समय लगने वाले सामान के मूवमेंट के लिए 1500 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने नदी के दूसरे किनारे पर काले पत्थरों से एक और ताजमहल बनाने की योजना बनाई थी। अपने बेटे औरंगजेब से ही युद्ध होने के कारण उनकी यह योजना पूरी न हो सकी। ताजमहल मनमोहक गार्डन और ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है, जिसमें मस्जिद और गेस्ट हाउस भी शामिल है। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल पूरे दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, जैसे सुबह के समय में हल्का गुलाबी और शाम के समय में दुधेरी सफेद और रात में हल्का सुनहरी दिखाई पड़ता है। ताजमहल की दीवारों पर पहले काफी बहुमूल्य रत्न लगे थे, लेकिन 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स ने उसे काफी हानि पहुँचाई थी। ताजमहल के 4 स्तंभ तिरछे बनाए गए हैं, ताकि भूकंप आने पर ये स्तंभ ताजमहल पर न गिर के बल्कि उसके बाहरी एरिया में गिरे, ताकि ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। तो कुछ इस प्रकार आप ताजमहल में अपने 2 से 3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। और ताजमहल को देख के मुझे ऐसा लगा, अकेलापन क्या होता है कुछ ताजमहल से पूछे। देखने के लिए पूरी दुनिया आती है, लेकिन रहता कोई नहीं। और मेरे खूबसूरत दिल को भी शायद लोगों ने ताजमहल समझ लिया है। देखने और घूमने तो बहुत लोग आते हैं, पर रहता कोई नहीं। और दोस्तों, ताजमहल से एग्जिट करने के बाद आपको यहाँ कई सारी दुकानें दिखाई देगी, जहाँ आप कई सारे आर्टिफैक्ट्स खरीद सकते हैं। यहाँ आपको कई सारी स्वीट्स की दुकानें भी दिखाई देगी, जहाँ आप आगरा का फेमस पेठा अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल रहता है, वो भी खरीद सकते हैं। ताजमहल देखने के बाद आप आफ्टरनून में आगरा फोर्ट जा सकते हैं, जो ताजमहल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये फोर्ट सुबह 6 से तो शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। टिकट्स इंडियंस के लिए 50 रुपए और फॉरनर्स के लिए 650 रुपए रहती है। ये किला आगरा किला, लाल किला या किला ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने खुद किया था। 1638 तक मुगलों का ये मुख्य निवास स्थान था। अपने ऐतिहासिक महत्व और अनूठे निर्माण के कारण आगरा किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। किले में काफी भव्य इमारतें हैं। ये किला मुगल शैली की वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है और आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। किले को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जो 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और 70 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। किले के अंदर कई प्रसिद्ध इमारतें जैसे कि जहांगीर महल, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, दीवाने खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद और इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों, इतिहास के अनुसार ताजमहल के निर्माता शाहजहां अपने ही बेटे के यहाँ 8 साल तक कैद रहे थे। जिस कमरे में उन्हें कैद किया गया था, वो सफेद मार्बल से बनी बालकनी वाला शानदार कमरा था और यहाँ से शाहजहां अपनी पत्नी के लिए बनवाए गए भव्य मकबरे ताजमहल को देखा करते थे। आप आगरा फोर्ट को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ गाइड भी हायर कर सकते हैं और 2 से 3 घंटे आपको पूरा किला एक्सप्लोर करने में आराम से लग जाएगा। आगरा किले से 4 किलोमीटर की दूरी पर आप इतिमाद उद्दुल्ला टॉम देखने जा सकते हैं, जो सुबह 6 से तो शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 30 रुपए और वही इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए 310 रुपए रहती है। इतिमाद उद्दुल्ला को बेबी ताज भी कहा जाता है। ये इंडिया का पहला मॉन्यूमेंट है जो पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया है। इसका निर्माण 1622 से तो 1628 के बीच जहांगीर की रानी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास की याद में करवाया था। मिर्जा गियास एक शाही अधिकारी थे, जिन्हें जहांगीर ने इतिमाद उद्दौला मतलब पिलर ऑफ द स्टेट की उपाधि से सम्मानित किया था। इसीलिए ये टॉम मिर्जा गियास की पॉलिश्ड पर्सनालिटी को दर्शाता है। टॉम के सामने खूबसूरत गार्डन भी है। टॉम 21 मीटर ऊंचा है। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये टॉम इस्लामिक स्टाइल में पर्शियन आर्किटेक्चर को दर्शाता है। टॉम की दीवारें मार्बल से बनी हुई हैं, जिसमें फूलों और पेड़ों की खूबसूरत पैटर्न दिखाई देते हैं। इस इमारत में इतिमाद उद्दौला की कब्र के साथ उनकी पत्नी असमत बेगम की भी कब्र है। इस टॉम में आप आराम से 1 घंटा अपना स्पेंड कर सकते हैं।
इतिमाद उद्दौला से 14 किलोमीटर की दूरी पर आप अकबर टॉम देखने जा सकते हैं। ये टॉम शुक्रवार को बंद रहता है और बाकी दिन टाइमिंग 6 AM टू 6 PM ओपन रहता है। टिकट्स इंडियंस के लिए 30 रुपए और फॉरनर्स के लिए 310 रुपए रहती है। अकबर टॉम आगरा में मुगल एरा का एक इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। मुगल एम्परर अकबर ने इस प्लेस को अपनी कब्र के लिए चुना था और अपनी मृत्यु तक स्वयं इसके निर्माण का निरीक्षण किया। ये टॉम 1605 से तो 1613 के बीच बनकर तैयार हुआ। एंट्री के दौरान आप कांच महल देख सकते हैं, जिसे अकबर के बेटे जहांगीर ने बनवाया था, जो जहांगीर का गेस्ट हाउस हुआ करता था। अकबर टॉम विजिट करते समय आपको एक भव्य मीनार दिखाई देगी। इस मीनार पर आपको अलग अलग धर्म से संबंधित चिन्ह दिखाई देंगे, क्योंकि अकबर उस समय सभी धर्मों को जोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। और दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा गेट है। इसके पीछे कहानी ये है कि अकबर की हाइट 5.5 फीट थी और आमतौर पर लोगों की हाइट उस जमाने में 6 से 7 फीट तक रहती थी, तो अकबर को अक्सर ताने मिला करते थे कि उन्हें कौन सलाम करेगा। ये देख बिरबल ने कहा कि आप 6 फीट का दरवाजा बनाना शुरू कीजिए, ताकि लोग अपने आप झुककर इस दरवाजे से जब घुसे तो आपको सलाम करके अंदर आए। अकबर का मकबरा चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, जिसे लाल बलुआ और व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। इस मकबरे में अकबर और उसकी बेटियों की कब्रें हैं। कब्र के एरिया को गोल्डन हाउस भी कहते हैं। उस समय यहाँ दीवारों पर गोल्ड लगा था। औरंगजेब ने उस समय पर गोकुल नाम के एक मशहूर जाट जमींदार को मरवा दिया था और उसका बदला लेने के मकसद से राजा राम सिंह ने यहाँ पर धावा बोल दिया था। वे लोग यहाँ आग लगाकर और सब सोना पिघलाकर और कई सारी चीजें लूटकर चले गए थे, और तभी से यहाँ की दीवारें काली भी पड़ी है। यही नहीं, बल्कि ये भी बताया जाता है कि उन्होंने अकबर की कब्र खोदकर उनकी हड्डियां भी जला डाली थी। इस पतली सी सुरंग से आप अकबर की कब्र तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही आपको अकबर की बेटियों की कब्र भी यहाँ दिखाई देगी। दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, और यही कहावत यहाँ एकदम फिट बैठती है। जी हाँ, तो यहाँ अगर आप एक दीवार के पास जाकर बात करते हैं तो दूसरी दीवार पर आपको बिल्कुल साफ आवाज सुनाई देगी। आप यहाँ गाइड हायर करके ऐसी कई सारी अनोखी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं और 1 से 2 घंटे में अकबर टॉम को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अकबर टॉम के बाद इवनिंग के समय पर आप मेहताब बाग जा सकते हैं, जो आगरा में लोकेटेड है। यहाँ एंट्री फीस इंडियंस के लिए 30 रुपए और फॉरनर्स के लिए 200 रुपए रहती है। टाइमिंग्स सनराइज टू सनसेट ही ओपन रहता है। मेहताब बाग यमुना नदी के ताजमहल से विपरीत दूसरे किनारे पर है। यहाँ एक काला ताजमहल बनना तय हुआ था, जिसमें कि शाहजहां की कब्र बननी थी, लेकिन धन के अभाव और औरंगजेब की नीतियों के कारण वह नहीं बन पाया। टूरिस्ट अक्सर मेहताब बाग को इवनिंग में विजिट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इवनिंग में यहां से ताजमहल की काफी सुंदर फोटोज आती है। इस बाग में आप आराम से 1 से 2 घंटे अपने बिता सकते हैं। मेहताब बाग से जब मैं वापस जा रहा था, तब मुझे वॉल के किनारे काफी सारा यहाँ कचरा दिखाई दिया, तो सोचना क्या था, मैं लग पड़ा यहाँ कचरा क्लीन करने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर हैं, जो अपना ट्रैश अपने साथ लेके जाते हैं और इसे राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप करते हैं। मैंने यहाँ से ये ट्रैश कलेक्ट किया और इसको इसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप किया। डे 2 की शुरुआत आप फतेहपुर सिकरी से कर सकते हैं। फतेहपुर सिकरी आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ईदगाह बस स्टॉप से एसी बस पकड़कर 50 रुपए में 1 घंटे के अंदर फतेहपुर सिकरी पहुंच सकते हैं। फतेहपुर सिकरी फ्राइडे को क्लोज रहता है। एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 50 रुपए और फॉरनर्स के लिए 610 रुपए रहती है। आगरा के पास मौजूद फतेहपुर सिकरी का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। उस समय ये शहर काफी शाही हुआ करता था, लेकिन आज भी ये शहर मुगल साम्राज्य के आदर्शों और विरासत को समेटे हुए है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1571 में करवाया था। फतेह का मतलब है जीत और सिकरी का अर्थ है भगवान को धन्यवाद देना। यहाँ एंट्री के समय आपको बुलंद दरवाजा दिखाई देगा, जो 54 मीटर लंबा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। ये दरवाजा 1601 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य अकबर द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा से एंट्री करते ही यहाँ आपको सामने जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती का मकबरा दिखाई देगा। दोस्तों, अकबर का लंबे समय तक कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने सलीम चिश्ती के बारे में सुना, जो एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। अकबर सलीम चिश्ती से मिले
और सलीम चिश्ती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की कि अगले 2 साल में उन्हें जल्द ही जोधाबाई से एक बच्चे की प्राप्ति होगी। और ठीक 2 साल बाद भविष्यवाणी के अनुसार जहांगीर का जन्म हुआ। कहते हैं इस मकबरे का निर्माण अकबर ने शेख सलीम चिश्ती को सम्मानित करने के लिए किया था और यहाँ लोग अक्सर धागा बांधकर दुआ मांगते हैं और वो सच होने पर धागा छोड़ने आते हैं। इसी के बाजू में आप जामा मस्जिद देख सकते हैं, जो भारत की सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है, जहाँ पर रोजाना हजारों सैलानी आते हैं। फिर यहाँ आप दीवाने आम देख सकते हैं, जहाँ अकबर जनरल लोगों के साथ उनकी समस्या को हल करने के लिए उनसे मिला करते थे। फिर आता है दीवाने खास, जहाँ अकबर प्राइवेट मीटिंग्स लिया करते थे। यहाँ अनूप तलाव भी मौजूद है, जहाँ इसके चबूतरे पर बैठकर तानसेन राग अल्पा करते थे और मुगल काल में अकबर द्वारा इसी चबूतरे पर संगीत की महफिलों का आयोजन किया जाता था। यहाँ आप जोधाबाई महल भी देख सकते हैं, जिसमें जोधाबाई ने मंदिर और तुलसी मठ बनवाया था और वो उसकी पूजा करती थी। फिर आता है पंचमहल, जिसका उपयोग मनोरंजन और विश्राम के लिए किया जाता था। यहाँ बिरबल का घर भी था, क्योंकि बिरबल अकबर के दरबार में 9 मंत्रियों में से एक खास मंत्री थे, इसलिए अकबर ने उनके रहने के लिए घर बनवाया था। इसके अलावा आप यहाँ घोड़े बांधने के लिए अस्तबल भी देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ तक्सल, दफ्तर खाना, खजाना घर इत्यादि स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। दोस्तों, फतेहपुर सिकरी को अच्छे से जानने के लिए मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। फतेहपुर सिकरी घूमने के लिए आप आराम से D2 अपना यहाँ स्पेंड कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपके पास D2 में थोड़ा और समय है तो आप आगरा में चीनी का रोजा, सुभाष एम्पोरियम, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा और ओल्ड आगरा सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस 2 दिन के ट्रिप में मेरा टोटल एक्सपेंस कुछ इस प्रकार आया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।